एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेज दे ताकि क्या नाम लिखने में दिक्कत ना हो। बल्लेबाज का नाम बताइए दोनों का। महेंद्र और श्रवण। बॉलिंग लाइन पे गोपाल। पहली गेंद गोपाल की। पहली गेंद पर घुमाना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। नरपत अपना पहला ओवर पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हुए। एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो प्लीज यहां पे आ जाइए आप। बहुत अच्छा शॉट इस बार, कोई फील्डर नहीं है पीछे, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हेलो सोन जी, सोन जी फिर से घुमाना चाहते थे बीट हुए। सोन जी चाचोड़ी के प्लेयर है जो यहाँ पे आ जाए अपना पुरस्कार ले ले। बहुत ही अच्छी गेंद। बहुत ही अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, वाइड बॉल है। एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ। घुमाना चाहते थे, बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो पा रहा है बल्ले का और बॉल का। चाचोड़ी के प्लेयर सभी स्टेज पे आ जाए प्लीज जल्दी से, 2 मिनट का काम है आपका सबका। अपना जो टूर्नामेंट में भाग लिया था आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी गेंद, जो ट्रॉफी है आपको वो वितरित करनी है। कैमरामैन, कैमरामैन थोड़ा स्टेज पे लग देना, ट्रॉफी वितरित हो रही है। 2 ओवर की समाप्ति। सात रन 2 ओवर के बाद, थोड़ी धीमी शुरुआत होती हुई सुमेरपुर की। बॉलिंग लाइन पर अब आएंगे गोपाल। घुमाना चाहते थे, फिर से बीट हुए, कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रानी रॉयल्स के द्वारा देखने को मिल रही है। अच्छा शॉट और इस बार बहुत ही अच्छी कोशिश वहां पर, और इस बार नॉट आउट एम्पायर द्वारा। काफी अच्छा प्रयास किया था कैच लेने के लिए और काफी अच्छी गेंदबाजी, बल्ला खोलने का बिल्कुल मौका। फुल टॉस गेंद इस बार घुमा दिया है और
थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर और एक रन चुरा लिया। इसी बीच एक रन पूरा कर दिया। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। वहां पर एक ही रन मिलेगा, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। और इस बार मिस फील्डिंग। इसी बीच एक फील्डर पीछे मौजूद है। बहुत ही अच्छा शॉट, छह रनों के लिए गेंद जाती हुई। सामने टेंट में कोई बैठे हो तो प्लीज बॉल दे दे। हिम्मत के बदले से ये निकलता हुआ शानदार छक्का। बॉल एम्पायर को दे दे। और इस बार गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद है और आसान सा कैच लवेश के द्वारा लेते लपक लिया गया है। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ हिम्मत के रूप में। मदन जी के खाते में एक विकेट। न्यू बैट्समैन नेम न्यू बैट्समैन नाम बैट्समैन नाम प्रदीप। अच्छी शॉट, एक ही रन मिलेगा। वहां पर फील्डर मौजूद थे नरफत। हर एक और लंबा हिट छह रनों के लिए। कमेंट्री और स्कोरिंग के लिए यहाँ पे आ जाए जो भी हो। हेलो, बॉलर
बढ़िया गेंदबाजी। अच्छा शॉट खेला है और देखते हैं चार रन जाएगा क्या। जी हाँ चार रन मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त शॉट, गैपिंग शॉट। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बल्लेबाज ने कोशिश की थी शॉट खेलने की लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। नरपत माताजी वाड़ा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अच्छा शॉट खेला है आगे बढ़ के लेकिन मिसफील हुई है थोड़ी। स्ट्राइक पे प्रदीप बेड़ा। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन गेंदबाज ने ये विकेट निकाल ही दिया है और काफी परेशान किया था बल्लेबाज को। अच्छी बल्लेबाजी की है, कोशिश भरपूर की थी लेकिन गेंदबाजी बहुत ही शानदार है। 56 रन पे। बल्लेबाज नाम महेंद्र प्रजापत, न्यू बैट्समैन आए हैं प्रदीप के आउट होने के बाद। गेंदबाज नाम बॉलर नाम प्रकाश जी आए हैं गेंदबाजी के लिए। और ये पल्टी पर शॉट मारा है और फील्डर के हाथ में गेंद, एक रन मिलेगा। रानी रॉयल्स की ओर से अच्छी गेंदबाजी चल रही है, साथ ही बल्लेबाजी भी बहुत ही शानदार चल रही है। दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पे फील्ड में थोड़ा बदलाव। व्हाट अ शॉट, यहाँ पे कैच की कैच का चांस था लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास किया फील्डर ने, लेकिन उससे भी अच्छा शॉट है और नो गेन अंपायर द्वारा। हेमाराम जी प्रजापत का ग्राउंड में आपका स्वागत है। महेंद्र के बल्ले से 9 बॉल में 6 रन मिले हैं। जो बल्लेबाजी कर रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा प्लेयर मेरे पास में आया कमेंट्री बॉक्स में।
विकेट का चांस है, स्ट्राइक पे मेंदर है, देखते हैं कितना फायदा उठाते हैं। बहुत ही बड़ी कोशिश की लेकिन फ्री हिट में एक रन मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी मिस फील्ड हो रही है, देखते हैं चार रन जाते कि नहीं। जी हाँ, चार रन मिलेगा यहाँ पे। बहुत ही गजब का शॉट। पिछली दो गेंद में बल्लेबाजी टीम के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 67 रन बन चुके हैं। पांचवा ओवर प्रगति पे है, 67 रन। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। एक और अच्छा शॉट खेला है आप में, लेकिन रन लेने के लिए कोशिश की लेकिन रन नहीं मिल पाएगा। माफी चाहूंगा। एक और अच्छा शॉट है लेग किस दिशा में और यहाँ पे चार रन मिलेगा। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। पवेलियन से ही सेट होकर आता है ये बल्लेबाज। जब उनके बल्ले से गेंद निकलती है, बंदूक की गोली की तरह गेंद निकलती है। एक और बड़ा शॉट। जी हाँ, फील्डर नीचे है, क्या होगा, कैच होगा क्या? बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे अंपायर के ऊपर डिसीजन जाएगा। करीबी मुकाबला है। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है और अंपायर का डिसीजन का पालन करना पड़ेगा दोनों ही टीमों को। इस शॉट से किसी को भी आपत्ति है तो रिप्लाई देख सकते हैं आप। और ये थर्ड एम्पायर का इशारा आउट आ गया है। काफी अच्छा शॉट खेला था लेकिन गेंदबाज भी चतुर गेंदबाज हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी। इसके बाद मौर्या स्ट्राइकर्स वर्सेस टाइगर क्लब धनी का बहुत ही कड़ी टक्कर होगी। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन डॉट गेंद। न्यू बैट्समैन किरण। हेलो, 7 ओवर के बाद 72 रन। अच्छी बल्लेबाजी हुई है तो साथ में विकेट भी गए हैं। जरूर कुर्सी पिला। बॉस आओ, आओ बैठो 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 बैठो। यहाँ पे अपील किए और एम्पायर ने
आउट दिया है। गेंदबाजों ने अच्छी वापसी कराई है। न्यू बैट्समैन हेमंत लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, एक रन मिलेगा। दो गेंदे हो चुकी है, एक विकेट मिल चुका है इस ओवर में। और अच्छा शॉट खेला है दोनों के बीच में, गैप की दिशा में, क्या रोक पाएंगे? नाइस, चार रन मिलेंगे यहाँ पे। विकेट जाने के बाद बल्लेबाजों के ऊपर काफी दबाव है, उसके बावजूद भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। सरवन के बल्ले से चार रन। एक और बड़ा शॉट खेला है, फील्डर नीचे मौजूद है और यहाँ पे आपस में पीटते हुए, और चार रन मिलेंगे लगातार। दूसरी बाउंड्री, चार रन मिलते हुए। एक के बाद एक विकेट जाने के बावजूद अच्छी बल्लेबाजी। एक और अच्छा शॉट यहाँ पे, फील्डर नीचे मौजूद है, कैच होगा क्या? बहुत ही गजब का कैच, शॉट अच्छा है तो उससे भी अच्छा कैच है, और एम्पायर का इशारा आउट। ये लगातार तीसरी गेंद पे हिट का प्रयास किया था, लेकिन दो बार सफल हुए और तीसरी गेंद पे असफल हुए बल्लेबाज। साउंड वाले भाई साहब, विकेट जाने के बाद थोड़े आईपीएल की टून लगाइए आप। नए बैट्समैन परवीन, एटी वन
लॉकडाउन हैट्रिक 81 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद। और मैदान में ज्यादा हवा चल रही है और हवा के साथ बल्लेबाजों के लिए फायदा होगा या गेंदबाजों के लिए। और यहां पर डग आउट पे थोड़ी मैदान में तकलीफ हो रही है हवा की वजह से। दो दिन से मौसम खराब चल रहा है और दर्शकों को डाउट था कि इस दिन आज के दिन ये मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन मैच तो हुआ है, लेकिन मैच के बीच में भी थोड़ी तकलीफ हुई है। बॉलर नेम गोपाल, गोपाल का तीसरा ओवर और टीम का नौवां ओवर। स्ट्राइक बल्लेबाज प्रवीण का बड़ा शॉट, हवाई शॉट खेला है और यहां पे अच्छा कैच। बैट्समैन नेम नाथू, नाथू भाई नए बल्लेबाज। प्रवीण आउट हुए हैं। इसके बाद अंतिम ओवर है और बल्लेबाजों का पूरा प्रयास है कि बड़े ओवर लेके आए टीम के लिए और गेंदबाज भी पूरी ताकत झोंकेंगे इस। और यहां पे भारत का झंडा मैदान के बाहर स्काई में दिख रहा है। अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाज बीट हुए हैं। दो गेंद। कैमरा के सामने से बल्लेबाजी टीम के प्लेयर हटे और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी हो रही है और पहली गेंद में विकेट, उसके बाद दो डॉट गेंद। गोपाल की अच्छी गेंदबाजी, वाह भाई वाह, मजा आ गया गेंदबाजी के लिए। और ये अंतिम ओवर होते हैं, डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल को नामुमकिन में तब्दील करना आता है गेंदबाज को। एक और गैपिंग शॉट, चार रन मिलेंगे। बल्लेबाज काफी पांच गेंद, नवे ओवर की अंतिम गेंद। इस ओवर में एक बाउंड्री आई है तो एक विकेट भी आया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अपील है गेंदबाज की, लेकिन अंपायर का इशारा आउट दिया है। टाइगर क्लब धन इसके बाद मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर है।
और इस मैच को दर्शकों को मेरी गुंजाइश है इस मैच को देखने के लिए छुके नहीं, मैच देखने के लिए अपना टाइम यहाँ पे बैट्समैन है हितेश, नए बैट्समैन आए हितेश, और इससे अगले मैच में भी हितेश जी ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी और मैच जिताऊ पारी खेलने ही वाले थे लेकिन गलत शॉट के वजह से मैच तो हारे लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, और उससे अगले मैच में प्रवीण जी ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और गेंदबाजी भी। अंतिम ओवर की पहली गेंद और डॉट गेंद, गेंदबाज नाम विक्रम द्वारा अंतिम ओवर लेके आए हैं और विक्रम का दूसरा ओवर है। बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन शॉट खेलने में नाकाम, एक रन मिलेगा। रन दो गेंद, अंतिम चार गेंद। बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन शॉट नहीं लग रहा, लेकिन बाय के रूप में एक रन जरूर मिलेगा। यह अच्छी सोच है, बल्ले से नहीं तो बाय के लिए तो रन ले। एक रन बहुत ही महत्व रखता है, सुपर ओवर भी करा सकता है। एक और बड़ा शॉट, चार रन मिलेंगे यहां पे, गजब का शॉट, अंतिम ओवर था। अंतिम ओवर है और बल्ले खोलने का अभी इतना अच्छा शॉट है कि गेंद भी नहीं मिल रही है। कोई भी और नए कमेंटर विशाल भाई, थैंक यू। कच रानी का स्टेडियम भरा हुआ दर्शकों से, पारी का अंतिम ओवर कट निकाला बैट्समैन ने। यहाँ पे मेंस फील्डिंग होते हुए एक रन मिलना था, वहां पे तीन रन ले लिया, बहुत ही अच्छी दोनों की आपस में तालमेल रनिंग। मोरिया स्ट्राइकर ने कनो रहे टाइगर क्लब और मोरिया स्ट्राइकर के कप्तान आ जाइए यहाँ पे टॉच के लिए। बहुत ही बड़ा तीसरा मैच होने वाला है जहां स्टार प्लेयर है मोरिया स्ट्राइकर पे। ए मीटर मुड़ा करे नहीं जरे 96 हो गए।
जितनी जल्दी फील्ड लगेगी बैट्समैन उतने जल्दी आ जाएंगे। लॉकडाउन हिटर्स ने यहाँ पे 96 का टारगेट दिया है, जो 97 का टारगेट दिया है। पहले मैच के हिसाब से ये स्कोर काफी कम है, लेकिन सामान्यजनक जरूर है। रानीगांव रॉयल्स अपने बैट्समैन भेज दीजिए, फील्ड सेट हो चुकी है, जल्द से जल्द अपने बैट्समैन भेज दीजिए। ओपनर बल्लेबाज रानी रॉयल्स के दोनों प्लेयर आ चुके हैं, लवेश स्ट्राइक लेंगे और प्रकाश। हेलो हेलो, दोनों टीम के कैप्टन मौर्या स्ट्राइकर और टाइगर क्लब धनी, दोनों के कैप्टन मंच पे आ जाए प्लीज, टॉच कराना है उनका। पहली बॉल
अच्छा शॉट लगाया और अपील की है वहां पे हिट विकेट के लिए, एम्पायर ने नकारा है। गेंद गई फाइन लेग की दिशा में, चार रन के लिए पहले रन आते हुए रानीगांव रॉयल्स के लिए, चौके के साथ शुरुआत की है। लवेस, लवेस के बल्ले से पहली बाउंड्री रानी रॉयल्स, बहुत ही अच्छे प्लेयर है लवेस। यहां पे ऊपर उठाई है और सीधा हाथ में पहला विकेट रानी रॉयल्स, रानी रॉयल्स को पहला झटका लगता हुआ। वन डाउन दिनेश डिक्के, दोनों कैप्टन प्लीज मंच पे आ जाए, टॉच करवाना है। इसके बाद में बहुत ही बड़ा मैच है, बहुत ही बड़ी बड़ी टीमें दोनों और बहुत ही स्टार प्लेयर है सब इसमें। यहाँ पर एक रन मिलेगा। धनी के कैप्टन सुरेश जी, पहले ओवर की पांचवी गेंद और यहाँ पर प्लेयर के ऊपर से उठाकर मारा है और बीएसएनएल चौका। टॉच के लिए सोन जी चाचोड़ी रेडी है। दोनों ही अनुभव कैप्टन और पीपीएल के बहुत ही पुराने कैप्टन। मुमराह स्ट्राइकर के सुरेश जी, अभी धनी के फिलहाल परजन में आखिरी गेंद और बहुत ही तेजी से एक रन चुरा लिया। यहाँ पर दोनों के टॉस होने जा रहा है, पहले ओवर की समाप्ति पर 10 रन। और इसी के साथ में धनी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चित्रसन करने का फैसला लिया धनी की टीम ने और मौर्य स्ट्राइकर को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया। बॉलर नेम परवीन, परवीन पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं। और यहां पर खतरा हो सकता था, हमारे बीच में श्रीमान लाला राम जी, माना राम जी बालवाल चाचोड़ी पधारे हैं, उनको पीपीएल तरफ से स्वागत है और उनको उद्घाटन समारोह में भोजन के लाभार्थी भी है जो आज का खाना है उनकी तरफ से है। ओवर थ्रो में यहां पर एक रन एक्स्ट्रा मिलते हुए टोटल एक
यहाँ पे उठा के मारा है और नीचे फील्डर है और गैप में बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। बहुत ही गजब शॉट ऑफ साइड पे चार रन। वीरेंद्र सहवाग के नाम से जाने जाने वाले प्रकाश जी, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की स्टाइल में ये चौका मारा है। प्लेयर को हिलने तक का मौका नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पे जोरदार अपील होते हुए और एम्पायर डिसीजन आउट। बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी पिच है लेकिन रुकना पड़ेगा, जब रुकेंगे नहीं तो रन कैसे बनेंगे। अगले बैट्समैन नरपत, 07 नंबर नरपत, युवा बल्लेबाज है। इक्कीस रन। उठाया है फील्डर नीचे और सीधा कैच, यहां पर एक और विकेट मिलता हुआ। बहुत ही शानदार प्रदर्शन लॉकडाउन स्ट्राइकर का, बहुत ही सजी हुई गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली लॉकडाउन स्ट्राइकर की, और बहुत ही फील्डिंग भी बहुत ही शानदार अभी तक देखने को मिली है।
न्यू बैट्समैन नाम सुरेश। दिशाहीन गेंदबाजी यहां पर एक और वाइड मिलते हुए यहां पर एक और विकेट मिलता हुआ एक ही जगह एक ही बॉलर एक ही कैच। जैसे यहां पर कैच प्रैक्टिस हो रही हो। अगर मैच को जीतना है तो थोड़ा रुक के खेलना पड़ेगा रानी रॉयल्स को। सुरेश का विकेट गिरते हुए यहां पर अगला बैट्समैन मदन। जोरदार अपील बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर प्रवीण कुमार द्वारा। बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहां पे मारे। देखते हैं अभी युवा बैट्समैन नरपत अगर रानी रॉयल्स को मैच जिताना है तो नरपत को यहां पर देख के खेलना पड़ेगा और जितना रुक के खेलोगे उतना रानी रॉयल्स टीम के लिए फायदा है। पर और कितना हुआ तीन इक्कीस रन तीन ओवर की समाप्ति पर। बॉलर नेम प्लीज किरण। पारी का सातवां ओवर लेके आए हैं मिस्टर किरण।
सामना करेंगे युवा बैट्समैन नरपत। हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ते हुए और गेंद को सम्मान दिया, पहली गेंद को किरण कुमार की। दूसरी गेंद और बहुत ही शानदार आगे की तरफ खेला है, एक रन मिलेगा। तीसरी गेंद और ये गैप में निकाला है ऑफ साइड की तरफ, खिलाड़ी पीछे, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और ओहो डॉट गेंद। लॉकडाउन द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा। फिर से एक और डॉट। डॉट गेंद की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जब आप विकेट रोकोगे यहां पर चार ओवर की समाप्ति पर 24 रन। अभी तक तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है लॉकडाउन स्ट्राइकर ने। महेंद्र कुमार 500 ओवर डालेंगे। बहुत ही लंबी रनिंग लेते हुए शानदार गेंदबाजी, यहां पर टक करना चाहते थे लेकिन ऐसे ही रुक के खेलना पड़ेगा क्योंकि पहले ही बहुत ही विकेट गिर चुके हैं और स्कोर भी इतना बड़ा नहीं है कि आप नहीं मार सकते। आप आराम से खेल सकते हो, आप आराम से चेज कर सकते हो, लेकिन रुक के खेलना पड़ेगा आपको। और बहुत ही गजब शॉट सीधा, अरे प्लेयर नीचे बॉल के और सीधा कैच। शॉट में कोई कमी नहीं थी लेकिन बैड लक यहां पर नरपत द्वारा, कुछ कर नहीं सकते। अगला बैट्समैन विक्रम। पांचवा ओवर प्रगति पर स्कोर 24 रन और आधी टीम तो लौट चुकी है वापस। न्यू बैट्समैन विक्रम। महेंद्र द्वारा बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजारा देखने को मिला यहां पर।
बहुत ही लंबी रनिंग लेते हैं। ऑफ साइड में फील्डर के ऊपर से उठाकर मारा गेंद बाउंड्री लैंड के बाहर, चार रन। चेन्नई के स्टार प्लेयर रोहित कुमार यहां पर आ चुके हैं। उठाकर मारना चाहते थे लेकिन बिट हुए पूरी तरह से। यहाँ पर दोनों स्टार बैट्समैन राकेश जी और रोहित जी बहुत दिनों के बाद मिले और कुछ चर्चा करते हुए। एक है गोवा से तो दूसरे है चेन्नई से, दोनों चमकते सितारे हैं। गोवा वाले राकेश जी और चेन्नई वाले रोहित जी बहुत ही बड़े प्लेयर है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे रानी रॉयल्स ने खुद ही अपने हथियार फेंक चुके हैं। आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए। स्कोर इतना बड़ा भी नहीं है कि आप नहीं मार सकते। अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए। छठे ओवर की पहली बॉल एम्पायर द्वारा व्हाइट का इशारा। छठा ओवर प्रगति पर, स्कोर 29। यहां पर बैट्समैन द्वारा बहुत ही कोशिश हो रही है मारने की और यहां पर यह रन आउट द्वारा एक और विकेट मिलते हुए। बैट्समैन नाम कैलाश। सट्टा ओवर प्रगति पर 29 रन और 7 विकेट की नुकसान।
एक और डॉट बॉल। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे वन साइड मैच होते हुए। पूरी तरह से अपने हथियार फेंक चुके हैं रानी रॉयल्स। ओवर की समाप्ति पर स्कोर 29-7 विकेट के नुकसान पर। पारी का सातवां ओवर लेके आए हैं बॉलर नेम अनिल प्रदीप। सातवां ओवर प्रदीप लेके आए हैं। पहली बॉल यहां पर ऊपर उठाया है फील्डर ने से और सीधा हाथ में प्रवीण को पहली ही बॉल में सफलता मिलती हुई। आठवां विकेट जाते हुए यहां पर आठवां विकेट का पतन। टाइगर क्लब धानी के स्टार प्लेयर नरपत कुमार। प्रदीप कुमार का सामना करेंगे एक और वाइड। यहां का वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। डॉट पे डॉट ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू निकाल रहे हैं बैट्समैन। अब की बार सफल हुए लेकिन एक रन मिलेंगे। यहां पर एक और बाउंड्री बहुत ही देर के बाद में देखने को मिली यहां पर बाउंड्री रानी रॉयल्स द्वारा। कहीं वक्त से
30 के अंदर स्कोर रुका हुआ था, एक ही साथ 4 रन मिले, स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। बॉल की व्यवस्था की जाए यहां पर, पुरानी बॉल भेजो, ओके चार बॉल, रन 34। सातवां ओवर प्रगति पर 34 रन, चौथी बॉल, सातवां ओवर की चौथी बॉल, आखिरी गेंद सातवें ओवर की, ओवर की समाप्ति, स्कोर 34 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पारी का आठवां ओवर, पहली गेंद और यहां पर उठाकर मारा है फील्डर नीचे और सीधा हाथ में, एक और झटका यहां पर रानी रॉयल्स को। जो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट कराते हैं पीपीएल रानी लाइव टूर्नामेंट, बहुत ही प्रसिद्ध टूर्नामेंट है ये, जो तीसरा सीजन चल रहा है। आखिरी जोड़ी यहां पर लॉकडाउन स्ट्राइकर को एक विकेट की दूरी, और ये यहां पर ये भी शायद मिलता हुआ, और ये